आप लोग ये बताइए इस बच्चे की उम्र कितनी होगी, बोलो अंदाजा लगाओ। 12 साल हैं? 12 साल इतना तो तय होना गया कि 6 साल का नहीं है, ये तो तय है। हमारा भी बुझाता है कि 9-10 साल का है, कुछ पक्कल है। 10 साल से कम ना है, सुनिए बहुत बहुत अहम वाक्या सुना रहे हैं आपको, अभी हंसना है उसके बाद समझिएगा। तो 10 साल का हो गया ना, हमारे अफजल साहब ने कहा ये 10 साल का हो गया। 6 साल के थे इमाम शाफई, कौन थे इमाम शाफई 6 साल के। 500 उलमा का मजमा लगा हुआ है, हारून रशीद बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है, सर झुकाए हुआ, उलमा भी झुकाए हुए हैं। इमाम शाफई खेलते खेलते वहां पहुंच गए, पूछा ये कैसा मजमा? कहा कि मजमा वैसा है कि तुम नहीं क्या समझोगे या समझोगे, हम लोग आजीज है। कहा हम सुन तो सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। कहा कि ऐसा है कि जुबैदा खातून जो हारून रशीद की बीबी है, उसको हारून रशीद बहुत मानते थे। इत्तफाक से किसी बात पर नोक झोंक हो गई तो बीबी ने कह दिया तुम जहन्नमी हो। तो खलीफा हारून रशीद ने कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुम पर 3 तलाक वाक़े। समझ रहे? वो तो आजकल हमारे बरेलवी हजार कह देते हैं बस सुन्नी हो गए, जन्नती हैं, ये हैं, वो हैं। बात समझिए कि नहीं? अब वहां सारे उलमा ये गौर कर रहे हैं कि हारून रशीद जन्नती है कि जहन्नमी है, तब ना फैसला होगा कि तलाक हुई कि नहीं हुई। बात समझ रहे? 500 उलमा आजीज हैं चुपचाप बैठे हुए। तो इमाम शाफई ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा, मुझको ले चलो बादशाह के पास, गोद में उठा के ले जाया गया। तो हर बादशाहों बादशाह तो अक्सर जाहिल होता है ना, वो इल्म की कदम नहीं जाना, कहा नीचे बैठा दो, अभी गोदी में रखो हमको। हारून रशीद साहब आपको मेरी जरूरत है कि मेरी आपकी जरूरत है? इल्म कभी जलील नहीं होता। तो हारून रशीद ने कहा कि आपकी जरूरत मुझको है। कहा आप नीचे बैठिए, कुरान में है फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो जानने वाले से पूछो, जाके पूछो, झुक के पूछो, अकड़ के ना पूछो। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं ला यतअल्लम अलइल्मा मुतकब्बिरुन वला मुस्तहिन, गुरूर और घमंड करने वाला शर्माने वाला कभी भी इल्म नहीं हासिल कर सकता। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए कुर्सी पर, आका हारून रशीद को हाथ बांध के खड़ा हो सामने हो गए। चूंकि मियां बीबी से फिर मिलने की बात थी तो इमाम शाफई ने पूछा कि मैं जब पूछता हूँ अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर, रसूल को हाजिर और नाजिर समझकर सही सही जवाब देना, जवाब हो जाए। कहा कि कभी ऐसा हुआ आपको कि आप गुनाह पर कादिर थे और महज दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह को हुजूर खड़ा होना है, जवाब देना है, और आप उस गुनाह से बच गए? तो हारून रशीद ने कहा कि 2-3 बार ऐसा हुआ है जिंदगी में, बाकी बार तो नहीं लेकिन 2-3 बार पक्का हुआ। कहा खूब याद कर लो, बोलो। कहा 2 बार हुआ। ठीक है, कहा जाओ तुम, तुम्हारी बीवी पर कोई तिलाक नहीं हुआ। अच्छा, मौलवी वो होता है जो चुप नहीं रहता, मौलवी आप आसद के बक बक में कुनर, मौलवी वो होता है जो बक बक करे सबका, भाई बच्चा तुम कहां से आया, कैसे समझ गया, क्या हो गया, क्या दलील है तुम्हारे पास। कहा आप लोग इतने जाहिल किस्म के मौलाना है, नकीजैन का इस्तेमाल हो गया, इल्म भी है आपके पास, जहालत भी है। अरे सुनिए,
कुरान शरीफ में है कि नहीं? वम्मा मन खाफा मकाम रब्बही व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, जो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरा और गुनाहों से बाज रहा, नफ्स को कंट्रोल में रखा, फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और आप जानते हैं खबर अक्सर नकरा होती है, लेकिन इख्तिसास के वक्त में अलिफ लाम दाखिल होता है, हेल बाबा का मतलब हुआ जन्नत ही उसका ठिकाना है। सबने हाथ फैल उनका चूमना शुरू किया, माला माल करके उनको घर पहुंचाया गया। बताओ किसने बादशाह की कुर्सी पर बैठाया उन्हें? इल्म ने बैठाया कि नहीं? सब मौलाना आजीज हो गए थे कि नहीं? तो जब 6 साल की उम्र में उनके इल्म का ये आलम था तो जवानी का क्या आलम रहा होगा, बुढ़ापे का क्या आलम रहा होगा। और चारों इमाम में से एक इमाम के इल्म का ये हाल है तो हमारे इमाम आजम के इल्म का क्या हाल रहा होगा। बात समझ रहे हैं? चुनांचे ये भी सुन लीजिए, चूंकि हम हनफी हैं तो उनके बारे में भी बता देना जरूरी है। समझ रहे हैं?